अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी को ईमेल भेज सकते हैं। तो वो किस तरीके से करना है, उसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि आखिर किस तरीके से आप किसी को मेल भेज सकते हैं या फिर किसी को मेल कर सकते हैं। पहले वीडियो आप शुरू से आखिर तक देख लीजिएगा, उसके बाद में जो आप सेकंड टाइम में भेजना शुरू कीजिएगा, ठीक है। पहली बार आप वीडियो को देख लीजिए, दूसरी बार में आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन नज़र आएगा आपके फ़ोन के अंदर में, जीमेल ऐसा एप्लीकेशन का लोगो होगा, जो लोगो जो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और वहाँ पे लिखा होगा जीमेल। तो आप इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में ढूंढिए और इस एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिए। जब आप इस एप्लीकेशन को, ये एक ऐप है, इस ऐप को जब आप पहली बार ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा गॉट इट, सिंपली आप गॉट इट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आकर के सिंपली आप टेक मी टू जीमेल पे क्लिक कीजिएगा और ये तभी आएगा जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। तो टेक मी टू जीमेल पे आप क्लिक कीजिए, उस पर क्लिक करने के बाद में जब आप पहली बार ओपन करते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, तो आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए बस। और अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करेंगे, पहले आप ओपन कर चुके हैं, तो आपके पास में जो है डायरेक्टली कुछ अलग इंटरफेस आएगा। जैसे मैंने जीमेल एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो आपको जो है कुछ इस तरीके से नज़र आने लगेगा। यहाँ पर आपको आपका प्रोफाइल फ़ोटो नज़र आ जाएगा, या फिर अगर प्रोफाइल फ़ोटो नज़र नहीं आएगा तो आपका नेम वगैरह जो है यहाँ पर नज़र आने वाला है, तो दोनों में से कोई एक चीज़ नज़र आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, किसी को ईमेल भेजने के लिए, किसी को मेल सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कीजिए कंपोज, सिंपली आप कंपोज पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंपोज पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में कुछ इस तरीके से मैसेज आ सकता है एक पॉपअप में, तो आप सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप वो ईमेल आईडी डालिए जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं, जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी जो है एंटर कर देता हूँ, मैंने वो ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। अगर इस तरीके से सेलेक्ट करने के लिए आता तो सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए, वो ईमेल आईडी जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे नज़र आएगा सब्जेक्ट, सिंपली आप सब्जेक्ट वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सब्जेक्ट डाल देना है कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड भेज रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ डॉक्यूमेंट ऑफ यूसुफ, मैंने ये इंटर कर दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर नज़र आएगा कंपोज ईमेल, ये आपको नज़र आ रहा है कंपोज ईमेल, सिंपली आप कंपोज ईमेल पर क्लिक कीजिए। कंपोज ईमेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको इंटर करना है, ये इंटर वाला बटन इंटर प्रेस करके आप नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद में अब आपको चाहिए कि कोई आप डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं, यानी जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई कागज़ है जिसका आपने फ़ोटो खींचा है, या फिर आपके पास में कोई भी आईडी प्रूफ है उसका आपने फ़ोटो खींचा है, तो उसको आपको यहाँ पर लेकर के आना, ताकि उसको आप ईमेल, इस ईमेल के ज़रिए आप उसको भेज सकें। तो अभी आपको करना क्या होगा, अभी आपको करना होगा यहाँ पर क्लिक, ये जो आपको एक नज़र आ रहा है पिन जैसा, सिंपली आप स्कोर में क्लिक कीजिए। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको नज़र आएगा अटैच फाइल, सिंपली आप अटैच फाइल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे तो जितने भी फ़ोटोज़ आपने लिए होंगे आपके फ़ोन में होगा, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। तो आप यहाँ से उस फोटो को जो है सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार फ़ोटो पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं और भी ऐड करना तो सिंपली आप फिर से उसी पर क्लिक कीजिए, फिर से अटैच फाइल पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर एक एक को सिलेक्ट ना करके आप चाहते हैं कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही साथ सेलेक्ट कर ले, तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपली उसके ऊपर में क्लिक किए हुए रहिएगा, थोड़ी देर दबाए हुए रहिएगा, तो आपका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्लिक करके रहने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप प्रेस करते हुए जाइए तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। या फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये जो आपको थ्री लाइन्स नज़र आ रहा है सिंपली आप स्क्रीन में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कई सारे ऑप्शंस, जैसे डाउनलोड का बटन, सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करके जितने भी डाउनलोड में फाइल्स होंगे सारे सारे नज़र आ जाएंगे। या फिर थ्री लाइन्स पे फिर से क्लिक करके आपको नज़र आ जाएगा स्टोरेज किस फ़ोन में है, या फिर आपको नज़र आ जाएगा पिक्चर्स, सिंपली आप पिक्चर में जाकर के भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कौन से फोल्डर में जो है आपका फोटो है। जैसे कैमरा है, कैमरा पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो है सारे के सारे फोटो नज़र आ जाएंगे जो भी कैमरा फोल्डर के अंदर में, यानी जो भी मैंने अभी फोटो खींचा है वो सारे के सारे मुझे यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ से इस फोटो को सेलेक्ट करके जैसे क्लिक किए रहूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सिंपली एक एक बार दबाऊंगा तो भी सारे के सारे फोटो जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपली आप सेलेक्ट बटन पर क्लिक कीजिए तो ये सारे के सारे फोटोज़ जो है यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए सारे के सारे फोटोज़ यहाँ पे आ गए। अब आपको करना क्या है, सिंपली ये जो आपको नज़र आ रहा है तीर वाला बटन, एरो बटन, एरो निशान, सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए। सेंड बटन है ये, उसके ऊपर में क्लिक करते ही ये जो ईमेल है वो जाना शुरू हो जाएगा, आपको यहाँ पे बता देगा सेंडिंग। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसा आपका इंटरनेट स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा, उसके बाद में जो ये सेंड हो जाएगा चले जाएगा। तो अभी कुछ देर के बाद में हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसा ही मैसेज आया जो अभी आया था। अब आपको करना क्या है, अब आपको चेक करना है कि मेल गया है कि नहीं। तो अगर चेक करना है कि मेल गया है या नहीं गया है, तो आपको सिंपली ये थ्री लाइन्स नज़र आ रहा है, सिंपली आप इसको में क्लिक कीजिए।
और यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक बटन सेंट, सिंपल आप सेंट पे क्लिक कीजिए तो जो भी आप मेल भेजे हुए रहेंगे आपको यहाँ पे नज़र आने वाला है। जैसे मैंने इस ईमेल आईडी पे भेजा था डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, सिंपली इसको मैं क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि क्या मैंने मेल किसी को भेज रखा है। तो इस तरीके से आपको ईमेल नज़र आने वाला है जो आपने भेजा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम एंड अल्लाह हाफिज़।